नमस्कार। कश्मीर के मामले पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से धो डाला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाए जाने को अपनी उपलब्धि बताने वाले पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने 11,000 वोल्ट का झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन कर कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, क्योंकि इमरान खान को ऐसा लग रहा था कि यूएनएससी की बैठक जैसे हो गई वैसे ही ट्रंप उनकी बात सुन लेंगे और मान जाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को साफ साफ कह दिया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और इसे पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के जरिए ही सुलझाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को बातचीत के लिए फोन मिलाया था। इस दौरान कश्मीर मामले पर बातचीत भी हुई। ट्रंप के सामने पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने और उसे दो भागों में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का मसला उठाया और भारत के फैसले पर आपत्ति जताई। लेकिन ट्रंप ने इमरान को साफ साफ जवाब दिया कि कश्मीर से तनाव कम करने में भारत और पाकिस्तान दोनों काम करें। अमेरिका के इस रुख से साफ था कि कश्मीर के मामले में मध्यस्थता वाले बयान पर फजीहत होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई और फजीहत नहीं कराना चाहते थे। इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी जिसमें चीन को छोड़कर सभी देशों ने कश्मीर को द्विपक्षीय मामला माना था और भारत का समर्थन किया था। बैठक के बाद व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव फोगान गिडले ने एक बयान जारी किया। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बयान में कहा गया, राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए तनाव कम करने की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में कहा था कि इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद की बैठक के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसे में ले लिया है और पाकिस्तान में होली दिवाली जैसी माहौल बनाने की कोशिश की जाने लगी। रेडियो पाकिस्तान ने कुरैशी के हवाले से ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री खान ने कश्मीर के ताजा घटनाक्रम के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को मनाने में कामयाब रहे। दरअसल पाकिस्तान को अपनी आवाम से सच बोलने में डर लग रहा है। उसके अपने लोग कैसे उसके अधिकारियों को, उसके नेताओं की बेइज्जती करते हैं, ये दुनिया देख चुकी है। आपने हाल ही में एक वीडियो जो शेयर किया जा रहा था जिसमें पाकिस्तानी राजनयिक मलिहा लोधी को एक पाकिस्तानी शख्स फटकार लगा रहा था, वो जरूर देखा होगा। वैसे चाहे पाकिस्तान जितना हाथ पांव मार ले, दुनिया में वो एक्सपोज हो चुका है और उसकी हालत वैसी ही हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।